सतगुरु सत को बताया, सतगुरु बाबा आज देवन के देव महादेव हर दे। सुने वाले मित्र, आप लोग अंदाज लगाए के धार्मिक प्रभु परमात्मा का जो चर्चा है आपके सामने दास पेश कर रहा है, उसके आप बड़े गौर से और बड़े सच्चाई के साथ समझें क्या सच है क्या झूठ है। तो कहना है प्रभु परमात्मा का सिमरन है, हे समर्थ परमात्मा, ए निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू है सबका। कण कण में है बस रहा ये तेरा रूप अपार, तीन काल तू सत्य है मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता, दया से तेरे हो सभी भव सागर से पार, निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाताय परम, परम पिता परमात्मा ये सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण, परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करण करावन हार प्रभु सब कुछ तेरे, संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज हो मैं दासों का, तू राजा अधिराज हो मैं दासों का, एक तू ही निरंकार। सुने वाले मित्र, आप लोग बुद्धिमान हैं, भगवान हैं, इंसान के रूप में परमात्मा अवतार लेके जब जब धरती पर पाप बढ़ाव तब तब अवतार लेके आए हैं, तो कहना भी है। मेरे दोस्तों, एक बात का अंदाज लगाइए,
बिना राम का आराम नहीं मिल सकता। आदमी जब कोई तकलीफ में होता है तो हर आदमी बिना कहे बिना सुने यही कहता है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे राम, हमार दुख हमार कष्ट हरण कर। सब प्रभु परमात्मा के भजन सुमिरन किया करता है। तो राम नाम तो सब दुख में कहे, सुख में कहे न कोई, और सुख में जब सुमिरन करे तो दुख काहे के। इसलिए प्रभु परमात्मा सतगुरु की कृपा से सतगुरु वंदना दास कैसे गावे, केहर से गावे, का गावे, कहां से गावे, तो कहना है एक ठीक तर्ज का नमूना बलाल जी। कैसे तर्ज है बा कि फूल तुझे मैं खत में भेजा, ये फूल नहीं ये मेरा दिल है। फूल तुझे मैं खत में भेजा, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल मैं खत में भेजा, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुझे मैं खत में भेजा। दास इसी पर बोल लिखा कि कैसे गाऊं तेरी महिमा, शब्द कोर्स में शब्द नहीं। कैसे गाऊं तेरी महिमा, शब्द कोर्स में शब्द नहीं। कैसे क्या है जो उपलब्ध नहीं, लेकिन मेरे दया कोष में क्या है जो उपलब्ध नहीं, लेकिन तेरे दया कोष में क्या है जो उपलब्ध है। आगे हे प्रतिपालक कृपा के सिंधु, बिसुर चैता दीनानाथ। हे प्रतिपालक कृपा के सिंधु, बिसुर चैता दीनानाथ। हे प्रतिपालक कृपा के सिंधु, बिसुर चैता मती हूँ। मैं लघु बुद्धि अल्प मती हूँ, शीत पर वो अपना हाथ। मैं लघु बुद्धि अल्प मती हूँ, शीत तेरा तो अपना हाथ। मैं लघु बुद्धि अल्प मती हूँ, तेरा तो अपना हाथ। कैसे गाऊं तेरी महिमा, शब्द कोश में शब्द नहीं। कैसे गाऊं तेरी महिमा। तीसरा बंद है श्री अवतार के श्री मुख ने, जो जो सब उतारे हैं। जो जो सब उतारे हैं भैया, बने हैं कुछ तो जीवन नौका।
और कुछ चांद सितारे हैं। बने हैं कुछ तो जीवन नौका और कुछ चांद सितारे हैं। बने हैं कुछ तो जीवन नौका और कुछ चांद सितारे हैं। कैसे गाऊं तेरी महिमा शब्द को बड़े भैया चौथे बंद में लिखा नि महापुरुष ने कुछ ने धारा रूप पवन का संत जनों के बन गए स्वास। कुछ ने धारा रूप पवन का संत जनों के बन गए स्वास। कुछ ने धारा रूप पवन बन गए। इनमें से कुछ आन बने, इनमें से कुछ आन बने हैं मेरे हृदय का विश्वास। आप लोग सुने भी और ये यूकी कंपनी ये सारे हिंदुस्तान में इनकी कैसेट और इनकर बोल एक अलग पहचान है। आप अंदाज लगाए के सुनबे समझबे तो जिंदगी के तरन तार हो जाए। एक पीढ़ी नहीं 15 पीढ़ी। फिर कहना है कुछ सूर्य का तेज बने हैं जग से तिमिर मिटाने को। सूर्य का तेज बने हैं जग से तिमिर मिटाने को। कुछ सूर्य का तेज बने हैं जग से तिमिर मिटाने को। कुछ बन गए हैं प्रीत की पूनम कुछ बन गए हैं प्रीत की पूनम प्रीत की बेल बढ़ाने को। कुछ बन गए हैं प्रीत की पूनम प्रीत की बेल बढ़ाने को। कुछ बन गए हैं प्रीत की बेल प्रीत की बेल बढ़ाने को। कैसे गाऊं तेरी महिमा सब को तन साद नहीं लेकिन तेरे दया को सुने क्या है जो उपलब्ध नहीं लेकिन तेरे दया को। बार रचने वाला दातार तोहार खेल तोहार कृपा एक अलग से बात कहना भी है। कुछ प्रवेश कर फूलों भीतर कलियों का मुस्कान बने। कुछ प्रवेश कर फूलों भीतर कलियों का मुस्कान बने। कुछ प्रवेश कर फूलों भीतर कलियों का मुस्कान बने। झर झर करती झरन सुधा के झर झर करती झरने
सुधा के झर झर करती झरनी ज्ञान क कुछ उद्यान बने शब्द बना कोई जाकर गीता बन गया कोई ग्रंथ कुरान शब्द बना कोई जाकर गीता बन गया कोई ग्रंथ कुरान शब्द बना कोई जाकर गीता बन गया कोई ग्रंथ कुरान शब्द बना शब्द बना कोई जाकर गीता बन गया कोई ग्रंथ कुरान कुछ नहीं मिल कर रची रमान कुछ नहीं मिल कर रची रमान महाभारत यो वेद पुराण सातवां बंद में लिखा महापुरुषों ने इन सब में जो अधिक थे मीठे कभी हृदय कर गए पर लिखी गई संपूर्ण वाणी और संपूर्ण सुवाया दे लिखी गई संपूर्ण रामायण और संपूर्ण हुआया दे लिखी गई संपूर्ण रामायण और संपूर्ण हुआया दे कैसे गाँव हाँ आप लोग तो कुछ समझदार हैं लेकिन आप समझिए कि ये रचना इनकी कितनी बेजोड़ है बेअंत है। किसने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, पवन उड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, अचल है, आडोल है, अविनाशी है। ये ऐसी रचना रचा कि सारे संसार में जोन प्रभु ने रचा तवन इंसान नहीं रच सकत।
तो कवि के दूसरे भाव में कैसा फेर लिखा कि अक्षर अक्षर रूप है तेरा, शब्द शब्द में तेरी याद। अक्षर अक्षर रूप है तेरा, शब्द शब्द में तेरी याद। अक्षर अक्षर रूप है तेरा, शब्द शब्द में तेरी याद। चरण परस अवतार चरण परस अवतार गुरु के किया साखिए अनुवार। मित्र इस तर्ज में एक लाइन महापुरुष ने बहुत अच्छे से फिर लिखा, तेरी वस्तु तुझे समर्पित किया है करुणा धार करो। तेरी वस्तु तुझे समर्पित किया है करुणा धार करो। तेरी वस्तु तुझे समर्पित बुरा भला है जैसा साकी, कर कृपा स्वीकार करो। बुरा भला है जैसा साकी, कर कृपा स्वीकार करो। बुरा भला है जैसा साकी, कर कृपा स्वीकार करो। ऐसे वाले दोस्तों, आप लोग तो महान हैं, एक बात के अंदाज लगाइए, सच और झूठ दो होता है, झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। सिर्फ प्रभु परमात्मा नाम सच है और बाकी बातें झूठ हैं। और मरना भी सच है, कोई न बचा है न कोई बचेगा, और करनी का फल यही मिलना भी है। ये मत सोचिए कि कर्म का फल कहीं अलग से मिलेगा, तो यही बदे जब जब पृथ्वी पर अवतार, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ावा, तब तब अवतार आए। बाबा तुलसीदास लिखत हैं कि जब जब होए धर्म करहानी, बाढ़त असुर महाय अभिमानी, तब तब राम मनुज तन धरही, भगत हेतु लीला बहु करही। जब सतगुरु आता है तो सत्य का मार्ग दिखाता है और सच्चाई के पीछे सच लोग जाते भी हैं। ये बेईमानन के लिए बात नहीं है, ये झूठा जटुअन के लिए बात नहीं है, ये सच के लिए बात है। तो यही पर तो कहा भी दास बोलाए भी रहा है कि जागो जागो लोग, अब जगाने वाला आ गया। Yeah.
आने वाला आ गया, आवाया लोग अब देखाने वाला आ गया, आवाया लोग अब देखाने वाला आ गया, आवाया लोग अब देखाने वाला आ गया। कहना है रामचंद्र, क्या कहना है राम सुमेर, जो जानता है वही जनाता भी है। सही बात, बाबा तुलसीदास लिखत हैं कि जो जाने सोई दे जनाई, जाने तुम ही हो जाई, जो जाने सोई दे जनाई, जाने तुम ही हो जाई, जो जाने जानता है उसी से जान सकते हैं आप। अंधा से अंधा, अंधा से अंधा रास्ता पूछे तो कभी ना ही मिल सकत राम सुमेर। सही बात, रास्ता पूछना है तो किसी देखने वाले से पूछना है। तब तो दास ने बोला है कि राम राम देख लो देखाने वाला आ गया, राम राम देख लो देखाने वाला आ गया, राम राम देख लो हरे राम देख लो देखाने वाला आ गया, हरे राम देख लो देखाने वाला आ गया, देखाने वाला आ गया, सीता राम देख लो देखाने वाला आ गया, सीता राम देख लो देखाने वाला आ गया, अल्लाह को भी देख लो देखाने वाला आ गया, निरंकार देख लो दिखाने वाला आ गया, निरंकार देख लो दिखाने वाला आ गया, देख लो दिखाने वाला आ गया, प्रभु जी को देख लो दिखाने वाला आ गया।